केविन ओवंस की फिर से हुई पिटाई, टाइसन फ्यूरी ने दी ब्रॉक लेसनर को चुनौती, और क्या कुछ हुआ है बड़ा आज मंडे नाइट रॉ के खत्म होने के बाद, जानेंगे आज किस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइज आज की रो हो चुकी है खत्म, जिसके अंत में दोस्तों हमने ये थिंग देखी कि AOP वाले पीट कर चले गए केविन ओवंस को, जिसके बाद सेथ ने लगाया अपना कर्ब स्टॉम्प, वहां ओवंस की दोस्तों गंदे वाली धुनाई हुई। लेकिन दोस्तों रॉ के खत्म होने के बाद भी बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कि एक तरीके से शॉक करने वाला था। जहां दोस्तों रॉ के खत्म होने के बाद हमें क्या थिंग देखने को मिलती है कि ड्रू मैकइंटायर आ जाते हैं और वो भी केविन ओवंस के ऊपर हाथ साफ कर डालते हैं, जिसके बाद वो माइक पकड़कर चैलेंज करते हैं द फिंड ब्रे वाइट को। फिंड ब्रे वाइट वहां आते हैं, जिसके बाद दोस्तों हमें दोनों के मध्य देखने को मिलता है एक स्टील केज मैच। इस मैच के दौरान दोस्तों हमें क्या थिंग देखने को मिलती है कि जो फिंड ब्रे वाइट है वो मैच को जीत जाते हैं, जहां दोस्तों मैंडिबल क्लॉ लगाने के बाद एक सिस्टर एबिगेल जड़ते हैं मैकइंटायर को और उसके बाद उनकी हो जाती है पिन। तो इस तरीके से दोस्तों रॉ के खत्म होने के बाद हमें फिंड एक्शन में देखने को मिले हैं और एक तरीके से एक तगड़ा मैच वहां दोनों ने पुट किया। बात कर ली जाए बाकी की थिंग्स की, तो गाइज आज रॉ के अंदर हमने देखा कि जो रूसेफ है उन्हें जेल हो गई, जिसका कारण ये था कि रूसेफ वहां प्रतिबंधित थे, लेकिन रूसेफ ने रूल तोड़ा, लैशली की पिटाई की और उन्हें अब पुलिस पकड़ कर ले जा चुकी है। इसी पर अपडेट यह है कि मुस्तफा अली जो है वो मदद कर रहे हैं रूसेफ की उन्हें जेल से छुड़वाने में, जैसे कि आप इस ट्वीट में देख सकते हैं। यहां दोस्तों मुस्तफा अली ने क्या लिखा है, मुस्तफा अली ने लिखा है कि मुझे कुछ एक कॉल्स करने दो और मैं देखता हूं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर पाता हूं। यहां दोस्तों रूसेफ की मदद करने की वो बात कर रहे हैं और आप जानते हैं कि अली जो है वो इससे पहले US पुलिस में रह चुके हैं, तो शायद से उनकी चलती भी होगी और वो पूरी मदद करेंगे वहां रूसेफ की। रूसेफ जल्द छूट जाएंगे पुलिस की गिरफ्त से। लेकिन बात कर ली जाए बाकी की थिंग्स की जो कि रॉ के बाद हुई है, तो गाइज आज आपने देखा रॉ के अंदर की रे मिस्टीरियो जो है वो सभी को चौंकाते हुए US चैंपियन बन गए, लेकिन वहां उनकी मदद की आपके रैंडी ऑर्टन ने ओसी वालों को टेकआउट किया जब वो दोस्तों पिटाई कर रहे थे रे मिस्टीरियो के, और उसके बाद उन्होंने AJ स्टाइल्स को RKO भी जड़ा, जिसके तहत दोस्तों वहां रे मिस्टीरियो जीत अर्जित करने में कामयाब रहे। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों ये समा नहीं थमा, जहां दोस्तों रैंडी ऑर्टन ने ट्विटर के ऊपर कॉन्ग्रेचुलेट किया है रे मिस्टीरियो को। आप देख सकते हैं यहां क्या कुछ उनका कहना है। रॉ के बाद दोस्तों जो कुछ हुआ है उससे ये थिंग तो साफ हो चुकी है कि रैंडी वर्सेस AJ हमें देखने को मिलेगा आगे जाकर, और जो रैंडी ऑर्टन है उनकी रे मिस्टीरियो के साथ अच्छी खासी नबने वाली है। लेकिन बात कर ली जाए और क्या कुछ शॉकिंग हुआ, तो आज दोस्तों रॉ के खत्म होने के बाद एक ऐसी थिंग देखने को मिल गई जो कि काफी अजीब थी, काफी वियर्ड थी। फिंड ने दोस्तों सेथ रॉलिंस को एक ऐसा ट्वीट कर दिया है जो कि हमें भी सोचने पर मजबूर करेगा। तो रॉ के अंदर आज आपने सबसे शॉकिंग थिंग जो देखी होगी वो यही थी कि सेथ रॉलिंस हील में तब्दील हो चुके हैं, उन्होंने प्रॉपर हील टर्न ले लिया है, जिसके बाद दोस्तों जो उनके फैंस हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश है इस बात को लेकर कि उन्हें बू मिलने लगी थी एज ए बेबी फेस, तो अच्छा हुआ कि वो हील में तब्दील हो गए। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि फैंस के अलावा एक और व्यक्ति को ये थिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है, और वो कोई और नहीं, वो है फिंड ब्रे वाइट। तो आज रॉ के ख़त्म होने के बाद फिंड ब्रे वाइट ने ये ट्वीट किया, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ फिंड का कहना क्या है, फिंड का कहना ये है कि वो हमेशा से जानते थे कि सेथ रॉलिंस ऐसा कुछ करेंगे और ये थिंग वो दिल में दबाए हुए थे। तो ये काफ़ी वियर्ड सा ट्वीट है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि सेथ रॉलिंस को हेट तभी से मिलना स्टार्ट हुई है जब से वो हेल इन अ सेल में फेस किए हैं फिंड को। वहीं बात की जाए डेनियल की, तो हाल फिलहाल में दोस्तों डेनियल वर्सेस फिंड हुआ था, जिसमें दोस्तों हमने ये थिंग देखी कि डेनियल भी एक अलग गिमिक में तब्दील हो गए, जहां दोस्तों अभी तक वो एक पर्यावरण बचाने वाले व्यक्ति बने हुए थे, अब वो फिर से यस मोमेंट वाले व्यक्ति बन चुके हैं। तो फिंड दोस्तों वाकई में किसी व्यक्ति का कैरेक्टर चेंज करने की ताकत रखता है, ऐसा आप समझ सकते हैं और ऐसा दोस्तों हमें प्रतीत भी होता है। लेकिन अब हम चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो गाइस आज की हमारी जो मेन खबर जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है टाइसन फ्यूरी से। तो टाइसन फ्यूरी अब WWE को छोड़ चुके हैं, क्योंकि दोस्तों उन्हें बॉक्सिंग में अपने करियर को परस्यू करना है। लेकिन आपको मैंने बताया था कि जो टाइसन फ्यूरी है वो जल्द फिर से WWE के अंदर लौट सकते हैं, क्योंकि गाइस बॉक्सिंग उनके मुताबिक 2020 तक ही वो कर पाएंगे और फरवरी में उनकी फाइट है। लेकिन यहां दोस्तों टाइसन फ्यूरी ने जो चीज़ कह दी है वो काफ़ी बोल्ड है। टाइसन फ्यूरी के मुताबिक जब भी वो लौटेंगे
तो वो वहाँ ब्रॉक लेसनर को ही फेस करना चाहेंगे। ब्रॉक लेसनर के अलावा उन्हें किसी को फेस नहीं करना है। गाइस हम रख के चल सकते हैं कि अगर अगले साल टायसन फ्यूरी अपना रिटर्न कर देते हैं रेसलमेनिया से पहले, तो वहाँ हमें ब्रॉक वर्सेस टायसन फ्यूरी देखने को मिले, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया मैच होगा। एक बिग फाइट होगी, बिग मनी फाइट होगी, लेकिन सवाल ये भी बनता है कि उस फाइट के अंदर आप किसका सपोर्ट करेंगे, टायसन फ्यूरी का या फिर द बीस्ट ब्रॉक लेसनर का, कमेंट करके मुझे बताना मत भूले। और गाइस आज की वीडियो इतनी, पसंद आई वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अस्तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब खैर।